इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में इस्तेमाल की गई कार रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्किंग से बरामद की गई है। वहीं हरियाणा पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों की फोटो भी जारी की है। आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। झज्जर SP अर्पित जैन ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई कार एक से दूसरे व्यक्ति को बेची गई। कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। परिवार को धमकी देने वाले राजस्थान के रहने वाले दलीप सिंह नाम के व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी शुरुआती पूछताछ में उसका किसी गैंगस्टर के साथ कोई संपर्क नहीं पता लगा है। इतना जरूर पता लगा है कि दलीप सिंह सोशल मीडिया पर कुछ गैंगस्टर को फॉलो करता था। शुरुआती तौर पर यह भी पता लगा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी मेडिकल जांच के बाद हो पाएगी। पुलिस के मुताबिक नफे सिंह राठी की हत्या में शूटरों की कार फरीदाबाद की थी। कत्ल वाले दिन इस कार पर स्कूटी का नंबर लगा हुआ था। ये कार अपराधियों के पास कैसे पहुंची इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये कार फरीदाबाद के व्यक्ति की थी जिसने लोन जमा नहीं कराया तो अलग अलग लोगों को ये कार बेची गई। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये कार अपराधियों तक कैसे पहुंची। दूसरा जो अभी मर्डर का केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें वो जो गाड़ी है I-20 जो इस्तेमाल हुई थी वो रिकवर हो चुकी है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर, और FSL की टीम ने पूरा उसका मुआयना और जो भी ऑन रिकॉर्ड लेना था वो ले लिया है। उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो भी आइडेंटिफाई हो गया है, और कुछ लोग ऐसे थे जो बीच में भी इन्वॉल्व है, वो गाड़ी एक से दूसरे के पास जाती रही, तो ऐसे भी कई लोगों को राउंड अप किया गया है और उनसे भी पूछताछ जो है जारी है कि कैसे ये इन अपराधियों के पास जो है गाड़ी पहुंची है। इसी के साथ जो नामजद इसमें आरोपी हैं तो उनमें से कल जो है विजेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल और पालेराम जो है और नरेश कौशिक, उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ की गई है और वो पूछताछ अभी निरंतर जारी रहेगी, और कल भी 6 घंटे के आसपास जो है पूछताछ चली है। तो जो हमारी SIT है वो सारे तथ्यों पर, सारे एंगल्स पर, सारे डायमेंशंस पर, सारे पक्षों पर उनसे पूछताछ कर रही है, और उसका जल्दी जो भी निचोड़ निकालते और जो भी इसमें अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज भी सतीश राठी और गौरव राठी जो इसमें नामजद हैं उनसे जो है हमारी टीम जो है बात कर रही है और हर पहलू पे उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही इसमें जो मेन इन्वॉल्व है वो चारों आइडेंटिफाई हो गए हैं, और हमारी टीम्स अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न जगहों पर रेड कर रही हैं, और जो भी बेस्ट पॉसिबल जो भी बेस्ट है वो अपना अनुसंधान जो है जारी है। एक टीम है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड सारा लेना है उसमें लगी हुई है, और बाकी टीम्स जो है हमारी, एक DSP भी बाहर है, सारे लोग रेड्स पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को अरेस्ट किया जाए, और हमारी कोशिश है कि जल्दी अरेस्ट करके इनको पेश करके, और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है या तो CBI के पास जाएगी या हमारे पास, तो हम सारे तथ्यों के साथ इसकी पूरी पैरवी करेंगे ताकि उनसे कड़ी से कड़ी जो है सजा मिल पाए, और जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है 1% भी अगर किसी का रोल है तो उसको हमारी तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए अभी कई लोगों से पूछताछ जो है जारी है, और जो भी इसमें संदिग्ध हैं, कई जिनका रोल लग रहा है उनसे हमारी STF की टीम्स और झज्जर पुलिस की टीम जो है पूछताछ कर रही हैं, और मैंने फिर बताया कि जो चार मेन लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और हमारी टीम्स अलग अलग जगह रेड्स कर रही हैं, और हमारा प्रयास है कि उनको जल्दी जो है अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो नामजद हैं उसमें 6 लोगों से जो है पूछताछ जारी है, कल 4 लोगों से काफ़ी लंबी जो है उनसे उनकी इंटरोगेशन पूछताछ की गई है, आज भी 2 जो उसमें आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है। वो उन्होंने फेसबुक से निकाला है, जो अपना सोशल मीडिया होता है उसमें कई बार नंबर होता है तो वहाँ से उसने निकाला है। नहीं, इसमें तो अभी उनका बाय नेम FIR में जिनके नाम है विजेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल और नरेश कौशिक, उनसे पूछताछ जो है अभी निरंतर जारी है, और आज मैंने बताया कि सतीश राठी और गौरव राठी को आज बुलाया गया, बाकी चारों से कल पूछताछ की गई लंबी। हाँ, उनसे पूछताछ की गई है, उन्होंने ज्वाइन भी किया है और आगे भी अभी पूछताछ निरंतर जारी रहेगी। सर, ये आप पता चला था हरियाणा पुलिस है, झज्जर पुलिस झाड़ जेल भी गई, तो उसका क्या गैंगस्टर है या किस प्रकार से तिहाड़ जेल? देखिए इसमें जो भी संदिग्ध आ रहा है उन सबसे पूछताछ हो रही है, ना सिर्फ तिहाड़ जेल बल्कि विभिन्न जेलों में, तो जो भी हमको जहाँ पे भी डाउट की सुई जा रही है 1% ये किसी का रोल लग रहा है तो हम उसमें बिल्कुल फुल प्रूफ पूछताछ कर रहे हैं, और मैंने बताया कि इसके बिल्कुल जड़ तक जाने का हमारा प्रयास है, और चेन में सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं
कोई वेपन सप्लाई में रहता है, कोई किसी में रहता है, तो सबको इसमें जो है हम अरेस्ट करेंगे और पूरी पैरवी करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। देखिए उसकी अभी जो डिटेल्स है वो अभी तक आई नहीं है, मैंने आज तो रिमाइंडर भिजवाया है, तो उसमें एक बार जो भी सोशल मीडिया की हमारी कंपनीज होती हैं उनसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसके बाद ही मैं कह पाऊंगा कि वो कहाँ से डला है और क्या उसमें आई थी, तो उसके बाद इस विषय पर कुछ बोल पाऊंगा।